Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In today's video, we will discuss about a topic of Sales of Goods Act 1930, which is Sale by Non-Owner of Good. इससे पहले मैंने बिजनेस लॉ की और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड करी अपने इस चैनल पे. अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं. चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि Explain the circumstances under which a buyer can get better title to the goods than those of seller. तो आप क्या समझेंगे इससे? मतलब कि आपको वो circumstances लिखने हैं जिसमें buyer को seller से ज्यादा better title मिल रहा हो. ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेल्स में पढ़ा था कि क्या होता है, टाइटल ट्रांसफर होता है, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर होता है. तो यहाँ जो हम इस सेक्शन 27 के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सेक्शन 27 डील करता है, वो क्या करता है, सेल बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर. मतलब ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर सेल हो जो गुड्स का ओनर ना हो. ठीक है, अब मान लो किसी ने चोरी करी और उस सामान को बेच दिया, तो क्या चोर उस सामान का रियल ओनर है? नहीं है, लेकिन उसने सेल तो करा ना. तो ऐसे कुछ सर्कमस्टांस भी होते हैं जब पर्सन ओनर होता नहीं है लेकिन वो सेल कर देता है, तो उसके रिगार्डिंग जो डीलिंग होती है वो सेक्शन 27 के अंदर होती है. तो इमेजिन कीजिए कि कोई सेलर है, ठीक है, कोई सेलर है लेकिन वो ओनर नहीं है गुड्स का, या फिर वो अगर कोई एजेंट है लेकिन जो ओनर है उससे वो कंसेंट नहीं लिया और गुड्स को सेल कर दिया. ठीक, नेक्स्ट, हैज नॉट बीन गिवन अथॉरिटी बाय द ओनर टू सेल द गुड्स ऑन हिज बिहाफ. उसको किसी तरीके की कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है ओनर के तरफ से कि आप मेरे गुड्स को बेच दो मेरे बिहाफ में, ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं मिला है और उसने बेच दिया. ठीक, मतलब वो ओनर है ही नहीं लेकिन उसने सेल्स को प्रोसीड कर दिया. तो इन सारे केसेस में जो बायर है उसको बेटर टाइटल नहीं मिलता गुड्स का. ठीक है, द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू दीज गुड्स देन द सेलर हैड, provided the conduct of the owner precluded the seller's authority to sell. क्योंकि यहाँ पे सेलर का अथॉरिटी थी ही नहीं बेचने की, तो जब वो अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है, अपने टाइटल को ट्रांसफर कर रहा है, तो कैसे बेटर टाइटल जा सकता है जब सेलर के पास खुद ओनरशिप नहीं है? तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटर टाइटल नहीं मिलता इन सारे कंडीशंस में. लेकिन सबसे पहले देखिए, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए तो अच्छे से समझेंगे. मान लीजिए कि पीटर स्टील्स अ मोबाइल फोन फ्रॉम हिज ऑफिस एंड सेल इट टू जॉन. पीटर क्या करता है, अपने ऑफिस से एक फोन चोरी कर लेता है और उसको जॉन को बेच देता है. ठीक है, लेकिन जॉन बेचारा ये नहीं जानता कि ये पीटर का फोन नहीं है, उसने चोरी करी है, वो गुड फेथ से उसको खरीद लेता है. हाउएवर John will get no title to the phone and will have to return it to the owner when he demand. There is no transfer of title. अगर जॉन को पता ही नहीं है लेकिन फिर भी खरीद दिया, लेकिन अब क्योंकि वो फोन तो पीटर का था ही नहीं, तो वो ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल कैसे करेगा? तो अगर अब जिसका फोन है, जिस ऑफिस से जिसका भी फोन है, अगर वो डिमांड करेगा रिटर्न करने के लिए तो जॉन को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल तो हुआ ही नहीं और बेटर ट्रांसफर नहीं हुआ. ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है. ठीक है, एनफोर्सिंग दिस रूल कैन मींस दैट. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल क्या है हमारा, कि अगर सेलर के पास बेटर टाइटल नहीं है तो बायर के पास भी नहीं ट्रांसफर होगा टाइटल. सही, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे ऐसे बायर हैं जिनको नहीं पता कि सेलर कहां से ये गुड्स को लेके आ रहा है और मुझे बेच रहा है, जो इनोसेंट नेचर के हैं, तो उनको बहुत सारे लॉसेस हो जाएंगे. वो तो पैसे दे देंगे, फिर जब सामान यूज करने की बारी आएगी तो उनसे मांग भी लिया जा सकता है. तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बायर्स के इंटरेस्ट में इस सेक्शन 27 के रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शंस लगाए गए. मतलब नॉन ओनर भी अगर बेचता है तो उसमें बेटर टाइटल मिल जाए बायर को, इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शंस हैं. ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 27. तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जहां पे नॉन ओनर ऑफ गुड भी अगर ट्रांसफर करते हैं टाइटल को तो बायर को बेटर टाइटल मिलेगा. नंबर वन क्या है, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, जिसको की अथॉरिटी दी जाती है कि वो सेल्स कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ में कंसाइनमेंट एंड गुड्स वगैरह का। ठीक है, तो देखिए, Consider a mercantile agent who is in possession of the goods or a document to the title of the goods with the consent of the owner। उसके प्रिंसिपल ने कुछ उसको दे रखा है, क्योंकि mercantile agent है तो वो consignment goods वगैरह की ही सेलिंग करता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो उसके पोजेशन में कुछ गुड्स हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं गुड्स के टाइटल के रिगार्डिंग, है ना, जो कि उसके ओनर ने उसको दे रखा है आगे सेल करने के लिए। Such an agent can sell the goods when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent। अब वो mercantile agent का काम करने के दौरान उन गुड्स को क्या कर दे, सेल कर दे, बेच दे। The sale shall be valid provided the buyer act in good faith and has no reason to believe that the seller does not have any right to sell the goods। अब अगर ये जो सेल हुआ ना, वो बिल्कुल ही वैलिड होगा बायर के नजर में, क्योंकि बायर ने गुड फेथ से खरीदा था और वो मर्केंटाइल एजेंट था जिसको अथॉरिटी दी गई थी बेचने के लिए। तो अगर वो काम के दौरान सेल करता है तो जो बायर जो गुड फेथ में खरीदा है ना, तो यहाँ पे पूरा उसका सही अधिकार गुड्स पे बन जाएगा। तो यहाँ जो टाइटल का ट्रांसफर होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ए गिव हिज कार टू बी। ए क्या करता है, अपनी कार को बी को दे देता है जो कि उसका एजेंट होता है। ठीक है, ए का एजेंट कौन है, बी है। विद द स्पेशल इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल द कार बिलो अ सर्टेन प्राइस। उसको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई इस प्राइस रेंज से नीचे इस कार को मत बेचना। तुम मर्केंटाइल एजेंट हो, तुम मेरे सामान को बेचने के लिए ही एजेंट बनाए गए हो, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उतने ही प्राइस में बेचना। अब बी क्या करता है, वो कार सी को बेच देता है, लेकिन लोअर प्राइस पे बेचता है, इंस्ट्रक्शन के से लोअर प्राइस में बेचता है। ठीक है, और सेल्स को प्रोसीड कर देता है। सी बेचारा इनोसेंट पर्सन गुड फेथ में उसको खरीद लेता है और उसको कोई नॉलेज नहीं है कि इसके प्रिंसिपल ने इसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, कितने में बेचने का इंस्ट्रक्शन दिया था। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो कोर्ट में जाता है, ए जो है वो कोर्ट में जाता है और बोलता है कि नहीं, मुझे मेरी वापस चाहिए मेरी कार सी से। ठीक है, क्योंकि मैंने तो कहा ही नहीं था इतने में बेचने के लिए। लेकिन हमारा कोर्ट क्या कहता है, नहीं, अब सी इसका ओनर है और ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, टाइटल अब किसके पास है, सी के पास है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर, दैट इज इन सेक्शन 28। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो ज्वाइंट ओनरशिप में खरीदते हैं। ठीक है, तो जैसे 3-4 फ्रेंड मिल गए और मिल करके एक प्ले स्टेशन खरीद लिया और कह दिया कि चलो, जो ए बी सी 3 फ्रेंड थे, ए जो है ना वो अकेले रहता है, तो चलो वहीं पे हम लोग प्ले स्टेशन को फिक्स कर देते हैं और तीनों लोग मिलके खेला करेंगे। ठीक, तो वही बहुत बार ऐसा होता है। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, द गुड्स आर कीप्ट इन पोजेशन ऑफ वन ऑफ दीज ज्वाइंट ओनर। किसी एक ज्वाइंट ओनर के पास पोजेशन रहता है, मतलब गुड्स रखा हुआ होता है, बाकी सारे को ओनर्स के परमिशन से, सभी लोग के म्यूचुअल कंसेंट से एक जगह पे पोजेशन होता है गुड्स का। अब ये जिसके पास पोजेशन है ना, इफ दिस पर्सन जिसके पास पोजेशन है, जिसके पास गुड्स रखा हुआ है, उस गुड्स को बेच दे। ठीक है, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। अब अगर ये को ओनर उसको बेच देता है जिसके पास उसका पोजेशन भी है और को ओनरशिप भी है, तो बायर को बेटर टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज प्रोवाइडेड दैट द बायर एक्ट इन गुड फेथ एंड हैज नो रीजन टू बिलीव दैट द सेलर डज नॉट हैव अ राइट टू सेल द गुड्स। उसके पास गुड फेथ भी था और कहीं भी उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो बिलीव कर ले कि सेलर जो बेच रहा है उसके पास राइट नहीं है गुड्स को बेचने का। तो वापस बाकी के को ओनर इससे नहीं मांग सकते, क्योंकि इसको जो टाइटल ट्रांसफर हुआ है वो बिल्कुल ही सही ट्रांसफर हुआ है। अब देखिए एग्जाम्पल, पीटर, जॉन और ओलिवर तीनों 3 फ्रेंड हैं, है ना। इन्होंने 42 इंचेस की टेलीविजन सेट खरीदी है आगे के क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखने के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो ओलिवर के घर में इस टीवी को लगा देते हैं कि हम लोग ओलिवर के घर पे आके सारे चीजों को देखेंगे। अब जैसे ही वर्ल्ड कप ओवर होता है तो टीवी वहीं पे पड़ी हुई है, वो लोग हटाए नहीं है। ठीक है, और एक दिन क्या होता है, ओलिवर अपने ऑफिस कलीग जूलिया को बेच देता है वो टीवी। वो घर पे आती है, देखती है, बड़ा अच्छा लगता है, वो उसको बेच देता है। जूलिया को नहीं पता था कि इसका टीवी अकेला का नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं था कि ये ज्वाइंटली परचेस किया गया, वो खरीद लेती है। तो अब जूलिया को जो टाइटल मिलेगा ना, वो बिल्कुल गुड मिलेगा, इसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है देखिए, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इन सेक्शन 29। Consider a person who acquire possession of certain goods under a contract voidable on ground of coercion, misrepresentation, fraud or undue influence। मतलब कि किसी व्यक्ति के पास पोजेशन है गुड्स का, लेकिन जिस गुड्स का पोजेशन है उसके रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैसा हो गया, voidable हो गया। voidable in the sense कैसे, या तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के ग्राउंड पे किया गया था, इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट था गुड्स के रिगार्डिंग वो क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया। लेकिन वॉइडेबल होने के बाद भी अभी जो गुड्स है वो उसी पर्सन के पोजेशन में है। अब ये जो पर्सन जिसके पास पोजेशन है गुड्स का, वो इस गुड्स को बेच दे। कब बेचे, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय द ओरिजिनल ओनर ऑफ द गुड। इसको पता है कि मैंने एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कराया है और ये प्रूफ भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने पोजेशन रियल ओनर को दिया नहीं था, उसके पहले ही उसने बेच दिया। ठीक है, तो अब जो बायर है ना उसको गुड टाइटल मिल जाएगा उस गुड का। यहाँ ये भी एक एक्सेप्शन है, देखिए एग्जाम्पल, पीटर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन अ गोल्ड डायमंड रिंग फ्रॉम ओलिविया। पीटर क्या करता है, फ्रॉडली, फ्रॉड करके एक डायमंड रिंग ओलिविया से ले लेता है। ठीक है, ओलिविया कैन वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एवर शी वांट, क्योंकि उसको पता है ओलिविया को कि मेरे साथ फ्रॉड करके इसने लिया है, तो ओलिविया कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती है, मतलब उसको वॉइड बना सकती है। डिपेंड करता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि एग्रीव्ड पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो आगे उसको इनिशिएट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। बिफोर शी रियलाइजेज द फ्रॉड, पीटर सेल द रिंग टू जूलिया। ठीक, अब उसको रियलाइज भी नहीं हुआ कि उसके साथ फ्रॉड हो गया और तुरंत उसने एक जूलिया नाम के व्यक्ति को वो रिंग बेच दिया। ठीक है, अब वो तो थी इनोसेंट बायर, उसको तो नहीं पता था कि वो चोरी करके या फ्रॉड करके जूलिया से ये रिंग लेकर के आया है और ये इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, लेकिन क्योंकि सेल उसने किया है तो अब यहाँ पे जो बायर है उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Sale by a person who has already sold the good but continues to have possession। कोई ऐसा व्यक्ति सेल करे जिसने पहले भी उस गुड्स को बेच दिया है, ऑलरेडी वो गुड बिका हुआ है लेकिन अभी तक पोजेशन उसके पास है, मतलब जिसको बेचा था वो अभी तक गुड्स इसके पास से लेके नहीं गया है और वो फिर बेच दे। ठीक है, दैट इज इन सेक्शन 30 सबसेक्शन 1। कंसिडर कीजिए कि अ पर्सन हु हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन पोजेशन ऑफ देम और द डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू देम। या तो गुड्स उसके पास है या फिर उसका डॉक्यूमेंट उसके पास है और वो किसी दूसरे बायर को फिर से उस गुड्स को बेच दे। जैसे आजकल प्रॉपर्टी के केस में होता है, एक प्रॉपर्टी बेची जाती है फिर वही प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को भी बेच दी जाती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है आजकल। तो इफ दिस बायर एक्ट्स इन गुड फेथ and is unaware of the earlier sale, then he will have a good title to the goods even though the property in the goods are passed to the first buyer। अब अगर buyer good faith से लेता है, उसको earlier sale के बारे में पता नहीं है, तो उसको good title मिलेगा उस goods पे, सही better title मिलेगा उस goods पे। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कोई first buyer भी था और ये मुझे दूसरी बार बेचा गया है। अगर वो कोर्ट में जाएगा तो उसको बेटर टाइटल मिलेगा। अ प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बाय द सेलर इज पोजेशन आर वैलिड टू। प्लेज के भी केस में ये चीज वैलिड होगा जिसमें पोजेशन उसके पास होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैव वेस्टेड इन हिम। Consider a buyer who obtained possession of the goods before the property in them is passed to him। मान लो कि आप एक पर्सन हैं, आप एक बायर हैं और आपके पास गुड्स की पोजेशन है। ठीक है, अभी आप पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन आपके पास पोजेशन आ गया है सेलर के परमिशन से। ठीक है, ही मे सेल प्लेस और डिस्पोज ऑफ द गुड्स टू अनदर। अब क्योंकि पोजीशन आपके पास है, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है पूरा का पूरा ओनरशिप, लेकिन आप उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। ठीक। इफ द सेकेंड बायर ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन गुड फेथ and without notice of the lien on any other right of the original seller, he get a good title। अगर आपके पास पोजीशन है और आपने उसको आगे डिस्पोज कर दिया, प्लेस कर दिया, सेल कर दिया, तो जो सेकंड बायर है अगर वो गुड फेथ से ले रहा है, उसको इस बात का कोई नोटिस नहीं है कि पहले से इसके साथ क्या हुआ है गुड्स के साथ, तो उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा। ठीक है। दिस रूल डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर हायर परचेज एग्रीमेंट। यहाँ पे हायर परचेज एग्रीमेंट पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। विच अलाउ अ पर्सन द पोजेशन ऑफ द गुड्स एंड ऑप्शन टू बाई अनलेस द सेल इज अग्रीड अपॉन। वहां पे भी तो पोजेशन पहले मिल जाता है और बाद में टाइटल मिलता है, तो पोजेशन आपको यहाँ पहले मिल रहा है प्रॉपर्टी का और टाइटल आपको बाद में मिल रहा है, और फिर भी आप उसको बेच देते हैं, तो सेकेंड बायर को टाइटल बेटर मिलेगा। लेकिन ये हायर परचेज पे यहाँ पे ये मतलब अग्री नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, पीटर क्या करता है, कार खरीदता है किससे, जॉन से। अंडर द कंडीशन दैट ही विल पे रुपीज 5000 एवरी मंथ एज रेंट ऑफ द व्हीकल एंड दैट ही कैन चूज टू परचेज इट फॉर रुपीज 1 लाख टू बी पेड इन 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पीटर एक कार खरीदता है जॉन से एक कंडीशन के ऊपर कि वो 5000 हर महीने उस व्हीकल का रेंट देगा, और वो चूज कर लेता है कि ठीक है 1 लाख रुपए मुझे देने हैं और मैं 24 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगा इस 1 लाख रुपए को। ठीक है। पीटर सेज रुपीज 5000 फॉर 3 मंथ्स। ये पीटर क्या करता है, 5000 रुपए 3 महीने तक के लिए पे करता है और फिर इस कार को ओलिवर को बेच देता है। ठीक। 3 ही महीने पे करता है, 24 बार पे करने थे। In this case, John can recover his car from Oliver since Peter has neither paid the car, not agreed to purchase it. He only has an option to buy the car. यहाँ से Oliver से जो main owner है वो कार रिकवर कर सकता है, क्योंकि ना तो इस कार को उसने परचेज किया है, ना तो पूरा पैसा भरा है, सिर्फ ये एक ऑप्शन था कि वो कार परचेज कर सकता है, इसलिए ये चीज उससे जो कार है वो वापस ले ली जा सकती है। ठीक है। क्योंकि एक तरीके का ये हायर परचेज डीड था, लेकिन अभी आपने पूरा नहीं किया तो ये एप्लीकेबल होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे बेटर टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, हायर परचेज के केस में नहीं होगा। लेकिन बाकी चीजें जो पोजेशन में है लेकिन टाइटल अभी ट्रांसफर नहीं की है, लेकिन आपने पूरे पैसे दे दिए, पूरा सेल हो चुका है, तो आप ट्रांसफर करते हैं। भले ही आपके पास अभी टाइटल ट्रांसफर नहीं है लेकिन पोजीशन है, तो बायर को बेटर टाइटल मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टॉपेल। मान लीजिए स्टॉपेल आप लोगों ने बहुत बारी पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा, तो देखिए कि कंडक्ट से लगे कि हाँ ये कुछ है कंडक्ट के थ्रू, तो वो स्टॉपेल होता है। ठीक है। इफ एन ओनर ऑफ गुड्स इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल, जो ओनर है गुड्स के कंडक्ट के थ्रू वो डिनाई ना कर पाए कि उन्होंने सेलर की अथॉरिटी, सेलर्स अथॉरिटी दी थी सेल करने के लिए। ठीक है। अब देखिए ये ना आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्या है, पीटर, जॉन एंड ओलिवर आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, बातें हो रही थी। पीटर टेल जॉन दैट ही ओन्स द BMW कार पार्क नियर बाय विच एक्चुअली बिलोंग्स टू ओलिवर। पीटर क्या बोलता है जॉन को कि वो जो कार पार्किंग में BMW लगी है ना पास के कार पार्किंग में, वो ओलिवर की है। अब ओलिवर कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं, शांत है। कुछ नहीं बोलना मतलब क्या कंडक्ट बता रहा है कि हाँ वो हामी भर रहा है, हाँ बोल रहा है। वो साइलेंट रह गया, उसने ना तो हाँ बोला ना ना बोला, मतलब कि उसका ये जो कंडक्ट था इससे किसी को भी ये लगेगा कि हाँ ये बंदा सहमत है। अब पीटर क्या करता है, उस कार को जॉन को बेच देता है। ठीक है। तो अब जैसे ही वो जॉन को बेच देगा तो इस केस में क्या होगा, जॉन को एक बेटर टाइटल मिल जाएगा उस कार का। ठीक। दो द सेलर इज पीटर हु हैज नो टाइटल टू इट, दिस इज बिकॉज ओलिवर बाय हिज कंडक्ट डिड नॉट डिनाई पीटर अथॉरिटी टू सेल द कार। ओलिवर जो है वो अथॉरिटी को डिनाई किया ही नहीं कि हाँ तुम नहीं बेच सकते हो, ये मेरी कार नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा और सिंपली उसने ये हामी भर दी चुप रह करके कि हाँ वो उसे अथॉरिटी दे रहा है बेचने के लिए। ठीक है, देखिए अब, इफ एन ओनर ऑफ गुड इज स्टॉप्ड बाय कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, यहाँ पे ऑलिवर उसको अथॉरिटी ना तो दिया ना तो मना किया, कुछ बोला ही नहीं। मतलब कुछ नहीं बोलने का मतलब क्या कि हाँ उसको वो अथॉरिटी दे रहा है कि तुम बेच दो। ठीक है, हाउएवर टू गेट अ गुड टाइटल बाय स्टॉपल इट नीड टू बी प्रूव दैट द ओरिजिनल ओनर हैज एक्टिवली सफर्ड और हेल्ड आउट द सेलर इन क्वेश्चन एज अ पर्सन ऑथराइज्ड टू गुड्स। उनको ये बोल के बोलना पड़ेगा कि हाँ ये चीज मुझे नहीं बेचनी, मैं तुम्हें अथॉरिटी नहीं देता बेचने के लिए। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन पे तो ये मान लिया जाता है कि हाँ इनको अथॉरिटी मिल गई है और जो बायर होता है उसको बेटर टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कंडक्ट के थ्रू, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्टॉपल। नेक्स्ट क्या है, सेल बाय एन अनपेड सेलर, सेक्शन 52 सबसेक्शन 3। अगर कोई अनपेड सेलर अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए, कौन सा राइट, राइट टू लियन, यानी कि जो, या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू लियन का इस्तेमाल करता है और गुड्स को अपने पास होल्ड करके रखता है और उस गुड्स को सेल कर देता है दूसरे बायर को, तो जो दूसरा बायर होगा उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर। ठीक है, क्योंकि वो उसके पास राइट टू लियन में है, अब वो नहीं देगा जब तक पैसे देने का टाइम ओवर हो जाएगा, तो वो अगर बेच देता है दूसरे बायर को तो उसको पूरा टाइटल मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स, दूसरे एक्ट्स के रिगार्डिंग, जो दूसरे एक्ट के प्रोविजन के रिगार्डिंग जो सेल होता है वो भी एक्सेप्शनल है। जैसे देखिए, अगर ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर ऑफ कंपनी अगर जो रियलाइज करते हैं किसी कंपनी के एसेट को और वो एसेट्स को बेच रहे होते हैं तो लेने वाला जो बायर होता है उसको वैलिड टाइटल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो ऑफिशियल रिसीवर होते हैं वो उसके ओनर नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, अगर ये सेल करते हैं तो जो बायर लेने वाले हैं उनको बेटर टाइटल मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फाइंडर ऑफ गुड्स विल गेट अप वैलिड टाइटल अंडर सर्कमस्टांसेस। जो फाइंडर ऑफ गुड्स होंगे उनसे अगर किया गया कोई परचेज है तो वहां भी बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा, कुछ खास सर्कमस्टांसेस के अंदर, जो सर्कमस्टांसेस आपको सेक्शन 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर बताए गए हैं। अगर पॉनी जो है वो अपने कन्वेक्ट गुड टाइटल को सेल बाय अ पॉनी कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर, अगर पॉनी सेल करते हैं अपने गुड्स को तो यहाँ पे भी बेटर टाइटल बायर को मिलता है, जो कि आपका सेक्शन 176 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।